बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एग्जांपल 7.3 हैं। स्टेटमेंट को आप देखिए। मास एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग वाइब्रेट्स अप एंड डाउन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.600 हर्ट्ज। मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, एक मास है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच हैं, वो वाइब्रेशन करते हैं, अप एंड डाउन वाइब्रेशन करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी है 0.600 हर्ट्ज एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। उसकी जो एम्पलीट्यूड है ये 5 सेंटीमीटर है। देखिए सोल्यूशन में हियर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया गया है, ठीक है, 0.600 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। उसके साथ जो एम्पलीट्यूड है, एक्स नॉट से डिनोट होता है एम्पलीट्यूड, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए उसके बाद कहते हैं कि व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, लेकिन 2.56 सेकंड के बाद, आफ्टर इट रीचेज अ मैक्सिमम। मतलब ये है कि ये टाइम है, उसके बाद आप ये डिस्प्लेसमेंट मालूम करें, लेकिन वो जा रहा है, इट रीचेज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक। मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन से पहले इस टाइम के बाद आप डिस्प्लेसमेंट मालूम करें। मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, ठीक है। तो आपको टाइम दिया गया है 2.56 सेकेंड, ये टाइम है और एक्स मांग रहा है। तो आपको पता है कि एज वी नो दैट, हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। यहाँ पे आप ये डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए हमने ये दो स्टेप ज़्यादा किए हैं, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा तो आपको पता है कि ओमेगा, ये जो है ये भी कॉस के निशान है, ये तीन नुक्ते जो हैं आपको नज़र आते हैं, ये किसके निशान है, बिकॉज। तो आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा और टी, और थीटा यहाँ से आता है ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करें। फिर आपको पता है कि आल्सो ओमेगा जो है ये बराबर है 2π f के, ये f जो है ये फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं, तो ओमेगा बराबर है 2π f के, ठीक है। तो आप यहाँ पे कीमत ही पुट करें, 5 सेंटीमीटर हैं एक्स नाट, और ये 2 जो है फाई की कीमत 3.414 है, क्रॉस, फिर ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, क्रॉस क्रॉस, ठीक है, ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, क्रॉस ये क्रॉस है। एफ़ की जो कीमत है वो आप लिखे यहाँ पे, और टी की जो कीमत है वो यहाँ पे आप लिखे। आपको पता है कि यह हर्ट्ज और सेकंड आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो ये कैंसिल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। तो ये 2, 3.14 जो है, या 1.4 जो है, ये और ये 2. ये सारे के सारे क्या करें, ये मल्टीप्लाई करें। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किस तरह, आपको पता है ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे आप लिखे, क्या लिखे, 2 लिखे पहले, आप पहले 2 लिखे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है, उसके बाद 3.14 आप लिखे, ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन साइन, फिर 0.600, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन है, उसके बाद ये 2.56, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करें, मसावी प्रेस करें, तो क्या आता है 9.64608, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 9.65 लिखा है, 5 का मतलब ये है डियर, यहाँ पे आपको नज़र आता है 9.64608, तो आप इस पे राउंड ऑफ करें, क्या राउंड ऑफ किस तरह करेंगे, ये 8, 0 और 6 जो हैं ये दूर करें, ख़त्म करें, ये 6 जो हैं ये 5 से ज़्यादा हैं, जब 5 से ज़्यादा हो तो इस 4 से हम 5 बनाएंगे, 1 का इजाफा करेंगे, ठीक है, तो 9.65 बनता है, तो हमने ये लिखा है, ठीक है। फिर इस तरह करें, ये जो हैं ये काज़ प्लाई हैं, इस पे काज़ प्लाई हैं, तो आप इस तरह करें कि काज़ यहाँ पे प्रेस करें, तो काज़ ब्रैकेट के अंदर 9.65 लिखे, ठीक है, 9.65, ये 9 है, 0.65 ब्रैकेट बंद करें यहाँ पे, तो मसावी प्रेस करें, इक्वलिटी साइन प्रेस करें, तो इससे क्या आता है, देखिए 0.98
5 आया है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हिंसे हैं, ये हमने राउंड ऑफ किया है, 9, 8 लिखा है, लेकिन यहाँ 5 के साथ 8 हैं, 8 को ख़त्म किया है, 8 किस से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो इस 5 से 6 बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने किया लिखा है 0.986। ठीक है, तो उसके बाद किया करे, ये ख़त्म करे, तो 0.96 जो है 0.986986 इसको मल्टीप्लाई करे, वो 5 मल्टीप्लाई करे, तो इससे आता है किस तरह, ये आता है, लेकिन फिर ये बटन जो है ये प्रेस करे ये, तो इससे 4.93 आता है, 4.93, लेकिन यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर जा रहा है उसके साथ, तो ये जवाब है। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेटर कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी समझ में आ जाए। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, असाइनमेंट है 7.4, देखिए किस तरह है, बिल्कुल तरीका ये है, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये एम्पलीट्यूड दिया गया है, एक्स नाट की कीमत दिया गया है 6 सेंटीमीटर, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है 0.490 हर्ट्ज, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, स्टार्टिंग फ्राम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है कि स्टार्ट तो लेंगे कहाँ से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, एक्सट्रीम पोजिशन से, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, वेन क्या, वेन विल बी द फर्स्ट टाइम, मतलब ये है कि टाइम आपसे मांग रहा है, डेट इट्स डिस्प्लेसमेंट, देखिए डेट इट्स डिस्प्लेसमेंट, देखिए इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 2 सेंटीमीटर, देखिए सॉल्यूशन हियर, एक्स नॉट 6 सेंटीमीटर दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ये है, एक्स जो है वो 2 सेंटीमीटर है, टाइम आपसे मांग रहा है, देखिए ये डेटा है आपके पास, यहाँ पे हिंट दिया है, हिंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2π ft, ये आपको दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर में ये आपको दिया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है, जब आपको न दिया हो तो आप ये याद रखना चाहिए, आपको चाहिए कि ये किया है, आपको याद रखना चाहिए इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप इसको डायरेक्ट फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पहले मैंने बताया आपको, अगर ये न दिया हो तो आप डायरेक्ट याद करिए इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए एज वी नो दैट, हमें पता है क्योंकि हमें दिया गया है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2π ft, तो आप क्या करें, एक्स नॉट को इधर ले आए, यहाँ पे किया है मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह करें कि ये तरफ जो है कॉस 2π ft ये उधर ले जाए, और एक्स और एक्स नॉट जो है उधर ले जाए, ठीक है, साइड को चेंज करें, तो कोई असर नहीं पड़ता, ये कॉस जो है यहाँ पे किया है इस पे अप्लाई है, तो कास को उधर ले जाए, एक्स और एक्स नॉट पे अप्लाई करे, जब मसावी से उधर ले जाते हैं तो कास इनवर्स बन जाता है, ये आपको पता है, मिस करूल है, कास इनवर्स एक्स और एक्स नॉट, ठीक है, तो आप कीमत ही पुट करें, 2π की कीमत है, एफ की ये कीमत है, और टी आपसे मांग रहा है, टी वाई से लिखे, ठीक है, कास इनवर्स और एक्स नॉट की जो कीमतें हैं 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, 2 और 6 से किया आता है 1/3 आता है, ये 2 और ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन जो है 3 किया, या आप इस तरह करें बिल्कुल 3.14 जो है, इसके बाद क्रॉस 0. किया है 4990, ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करें, किया आता है, इससे आता है 3.0, ठीक है, 3.0772 ये आ गया है, देखिए तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, वहाँ पे 1/3 है, क्या करे, आप 1 को डिवाइड करें 3 पे, तो इससे किया आता है 1/3 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ये करें 0.333 इस तरह लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे किया आ गया है 0.33, यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि ये कॉस इनवर्स 1/3 है,
लेकिन इस तरह आप कर सकते हैं कि 1/3 पे डिवाइड करें, इससे ये आता है, उसके बाद काज आप ले लें। लेकिन हमने किस तरह किया है कि काज इनवर्स जब आप लिखते हैं तो पहले शिफ्ट को दबाना होगा, ठीक है, शिफ्ट को, उसके बाद यहाँ पे काज दबाए तो काज इनवर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद किया करें 1/3, तो 1/3 आप लिखे, ब्रैकेट बंद करें, तो उसके बाद ये मसावी जो है ये प्रेस करें, ठीक है, क्या आता है देखिए 70.5 आ गया, बाकी जो है राउंड ऑफ किया है मैंने, यहाँ पे 70.5 आता है, आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट में जो हैं ये ठीक के साथ हैं, ठीक को अलहदा छोड़े, ठीक है, ये सब जो हैं ये यहाँ ठीक को किया है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये उधर ले जाए तो डिवीजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड यानी 3.0772 ये डिवाइड हो गए, ठीक है, इस पर। तो इस तरह आप करें कि ये जो हैं 70 हैं आपके पास 0.5, ये डिवाइड करें किस पे, ये इस पे, इस फिगर पे 3.0772, तो इस पे डिवाइड करें तो इससे क्या आता है देखिए 22.9 आ गया है, लेकिन 9 को हमने किया है राउंड ऑफ किया है, तो ये 22 से 23 हमने डायरेक्ट लिखा है, देखिए 23 सेकंड, ठीक है। ये हर्ट्ज जो हैं, हर्ट्ज तो सेकंड के इनवर्स हैं, ठीक है, इसलिए 1 आवर हर्ट्ज बराबर हैं सेकंड के, तो यहाँ पे सेकंड मैंने लिखा है, ठीक है। ये दूसरा न्यूमेरिकल है, ये भी आप नोट करें।